आज घोषित किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि ये नतीजे घोषित किए। विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक के परिणाम आज जारी किए जा सकते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर या फिर अन्य अधिकारियों की ओर से बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करने के आधिकारिक समय या फिर डेट का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बिहार बोर्ड ने खुद आधिकारिक हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक परीक्षा का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, और इसी लक्ष्य के साथ परीक्षा समिति के पदाधिकारी और कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं। लाइन रखी थी जिसके बाद आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, और ये वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं www.biharboardonline.bihar.gov.in। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि जिन स्टूडेंट्स जो कि इसे देख पाएंगे ऑनलाइन, दोपहर के बाद कभी भी नतीजों का ऐलान हो सकता है, तो इन वेबसाइट्स पर नजर बनाकर रखिएगा, टिका कर रखिएगा, लगातार हमारे साथ जुड़े। जिस किसी भी परीक्षार्थी ने मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में भाग लिया है, परीक्षा का संचालन पूरी तरह से कदाचार रहित, स्वच्छ और उत्कृष्ट माहौल में किया गया है, और निश्चित रूप से ऐसी कठिन परीक्षा व्यवस्था से जो भी परीक्षार्थी गुजरे हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा कि अब जो परीक्षा फल परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसमें यदि आपके अच्छे परिणाम आते हैं, यदि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जिंदगी की सफलता के आगे कई सोपान हैं, कई चरण हैं। यदि आप कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य जिस किसी भी करियर को आप चुनेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुनेगी, और आपके उन्नत भविष्य के लिए बिहार बोर्ड कामना करता है, और हम सभी लोगों की यह कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर अंकों के साथ आप उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हो। सर, काफी संख्या में स्टूडेंट का यह है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है ओएमआर भरने में या उनका रिजल्ट अगर पेंडिंग हो जाता है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होगा? देखिए, यदि किसी विद्यार्थी ने ओएमआर भरने में गलती की है या उन्होंने गलत गोले को भरा है तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अन्य डॉक्यूमेंट से मिलान करके यदि उस विद्यार्थी जो त्रुटि की है उसका सुधार हो सके तो उसके उसमें समय भी लग रहा है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने जिस किसी पर त्रुटि की है उसको अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से मिलान कर